नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम लोगों ने एक नई सीरीज को स्टार्ट करा है जिसपे आप अपने स्टॉक्स पूछेंगे एंड उसकी एनालिसिस मैं करूंगा। सो डेली आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं एंड उसकी एनालिसिस आप लोग नहीं कर पाते। उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो स्टॉक परफॉर्म करता है बट आप लोग उस पर ट्रेड नहीं ले पाते या फिर हमें लोगों को लॉस इनकर करना पड़ता है। तो उसके लिए ये एक सीरीज स्टार्ट करी गई है जिसपे आप अपने स्टॉक्स कमेंट सेक्शन पे डालेंगे एंड जिसपे पर्टिकुलर स्टॉक पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसकी एनालिसिस मैं आप लोगों को दोपहर के 3 बजे करके भेजूंगा। यस, सो आपको क्या करना है, जब ये वीडियो एंड हो जाएगी अपने स्टॉक्स जो भी आप पूछना चाहते हैं जिसकी एनालिसिस करवाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे नीचे डाल दीजिएगा। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसकी एनालिसिस हम लोग कल करेंगे। सो टॉप 3 विनर्स आज के एनालिसिस के लिए थे माइंडट्री, रिलायंस एंड ONGC। सो उस पे से माइंडट्री का चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इसके लिए मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। चेक करते हैं, देखिए मंथली चार्ट और डेली चार्ट पे एनालिसिस करूंगा क्योंकि मंथली चार्ट पे भी हमें एक राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं एंड इसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि हमें देखने को मिल रहा है। इस ब्रेकआउट के अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम लोगों को बहुत अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं एंड ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। अगर इसके लाइफ टाइम हाई की हम बात करें तो वो था 1595 का। सो वहाँ तक भी जा सकता है एंड उसको भी प्रोबेबली ब्रेक कर सकता है। ठीक है, स्टॉक बढ़िया कर रहा है। एक बार अगर मैं आप लोगों को इसका इंडेक्स दिखाता तो इंडेक्स पे भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करा है, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना के उसका ब्रेकआउट दिया है। तो आईटी सेक्टर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस पे हम लोग एक बेट लेकर चल सकते हैं। अगर हम लोग डेली चार्ट्स पे चलते हैं तो डेली चार्ट्स पे आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाता हूं मैं। यस, आप यहां देख सकते हैं कि स्टॉक पे मैं आप लोगों को सिंपल एनालिसिस करवाऊंगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी रहे और बहुत ईजिली आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है, सो इस चार्ट्स को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यस, अब एनालिसिस करते हैं। आप देखिएगा कि इस लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था उसकी एनालिसिस आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट था। आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था एंड उस ब्रेकआउट के बाद उसने रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करने के बाद एक अपमूव आ रही है। अब देखिए, कोई भी चैनल या कोई भी रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं तो हमें फाइंड करना पड़ता है कि उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है। जब ब्रेकआउट देता है तो रेजिस्टेंस पे ही उसे फेस करना पड़ता है, अगर ब्रेकडाउन देता है तो उसे सपोर्ट में फेस करना पड़ता है। सो इसका अगर हम लोग सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करें तो वो कौन सा लेवल आ रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, जोन्स के थ्रू हम लोग बनाएंगे। एक सबसे बढ़िया जो नियरेस्ट लेवल आ रहा है विच इज दिस लेवल। ठीक है, एक ये नियरेस्ट लेवल आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यस, ये देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल बार ये पर्टिकुलर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करा, सेकेंड टाइम इधर करा, थर्ड टाइम इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया बट ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग नहीं दी। सो वी सॉ फॉल आया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिली। 3 दिन हॉल्ट करा एंड फिर जाके ये ब्रेकआउट दे चुका है। अब आप एक पैटर्न को समझेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन है। आप देखिएगा स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया एंड फिर नीचे आया। अब आप देखिएगा पैटर्न किस तरीके से काम करे। इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा एंड दोबारा अपने हाई को ब्रेक करने के चांसेस पे है। सो ये कंटिन्यूसली हायर हाईज हायर लोस फॉर्म कर रहा है। सो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड ब्रेकआउट दे चुका है। अगर मैं इसके एक रेजिस्टेंस और की बात करता हूं जो इस लेवल पे आ रहा है। यस, आप देख सकते हैं इस लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। इसके ऊपर हमने एक कैंडल का ब्रेकआउट देखा था, देख सकते हैं यहां पर भी एक बार ब्रेकआउट आया था। ये फॉल्स ब्रेकआउट था। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक नीचे आया बट स्टॉक वीक नहीं था। वीक नहीं था तो उसने दोबारा रीबाउंड करा एंड रीबाउंड करने के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज कर दिया। क्लोज करा, उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने दोबारा रीटेस्ट करा एंड रीटेस्ट करने के बाद आज अपने इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। ठीक है, सो यहां पर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, विच लेवल इज दिस, 1477 के ऊपर, तो एक वीकली क्लोजिंग भी मिल जाएगी। देखिए आज फ्राइडे है तो एक वीकली क्लोजिंग भी हमें इसके ऊपर मिल जाएगी। तो ये नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो इस स्टॉक को अपने रेडार में रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हुए रखिएगा। टीसीएस भी मैंने आप लोगों को कल बताया था आज बाय कर सकते हैं, सो उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सो कमेंट के अंदर अपने स्टॉक्स डालिए जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसकी कल हम एनालिसिस करेंगे। सो इस सीरीज़ के साथ मैं करता हूँ आपसे अलविदा एंड हम मिलते हैं रात को 9 बजे अपने 5 स्टॉक्स जो हम लोग बाय करते हैं कल के लिए। गुड बाय।